Hello. Hello. یکی بود یکی نبود بعد از خدا کسی نبود. سلام علیکم بینندگان عزیز. یه پاکستان پاکستان یه لبند کود تو پہلے دسانی hello ladies and gentle women, how is the juice? I am Krej. ये जो अभी ऑल पाकिस्तान भालू एसोसिएशन के सदर ने कंफ्यूजन डाला है, ये को मेरी जिंदगी में पहली दफा नहीं है. ये जो मेरे वालिद साहब हैं, सबसे पहले कन्फ्यूजन उन्होंने मेरी ज़िंदगी में डाला था. दरअसल मेरे वालिद साहब जो है ना, एक छोटे से शहर शोरकोट से उनका ताल्लुक है. पढ़ लिख के वो शोरकोट चले गए, तो मैं भी गलती से वहीं पैदा हो गया. तो मेरे वालिद साहब की ना एक मैंटेलिटी थी, मुझे ब्रूस ली जैकी चैन बहुत ज़्यादा पसंद था. तो मुझे कहते थे ऐसे जड़े कराटे वाले ने ना, ऐसे सारे पागल ने, इन्होंने कराटा पागल है. और दुनिया के सबसे बड़े रेसलिंग के फैन वो खुद थे. घर में जितनी भी फिल्में आती थी ब्रूस ली जैकी चैन की, मेरे लिए आती थी और वो खुद कमरा बंद करके बैठ के देखते थे. और मैं छोटे से दरवाजे से खोल के ना इसे देख रहा था, तो मुझे कहता था चुप खामोश थाओ लुदो बेटा. तो मैं हमेशा अपनी माँ को कहा करता था ये क्या हो रहा है, फिल्में मेरे लिए आया. मेरे वाले साहब कहते थे बस मैं देख लिया मैं देख लिया. तो मेरे वाले साहब क्यों एकदम सोचा, एक बात उनके जहन में एक चीज आ गई. उन्होंने कहा जी के पढ़ लिखने वास्ते अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा जी अंग्रेजी सीखने के लिए जो है हमें सिर्फ देसी टीचर चाहिए. मैंने वाले साहब से कहा वाले साहब मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है, मैं बोल लेता हूँ. कहते नहीं, जब तक तुम्हारे फिंगर टिप्स में टेंस नहीं होंगे, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट डबल डबल तुम्हें अंग्रेजी नहीं आएगी. मैंने कहा मुझे, मैं बोल लेता हूँ. कहते नहीं, देसी टीचर शोरकोट. अब वो मुझे शोरकोट भेजना चाह रहे थे. शोरकोट के बारे में मैं आपको बताऊं, शोरकोट एक ऐसी जगह है जहां पे पैंटे पहनना स्टेटस सिंबल है. बढ़िया पैंटा पाए ने जी ला देनी ने व्याह दे जा रहे हैं. वहां पे लोगों की छोटी छोटी बात पर जिंदगी बदल जाती है, छोटी छोटी बात. मैं अपनी गाड़ी धुलवाने गया तो मेरा फोन, वो मैं अपने मुंह के हिसाब से फोन रखता हूँ 6 इंच, तो उस पर बुक कवर लगा हुआ था. तो एक बच्चा आया, उसने कहा कि जी आ भाई जी अपनी डायरी चौक लो. मैं कहा डायरी नहीं मोबाइल है. कहते अच्छा. मैंने उसको दिखाया, जब मैंने उसको खोल के दिखाया तो मोबाइल है. मैंने कहा हाँ है मोबाइल. वो रोड के पार से उसने अपने दोस्त को बोला ओए शबानू है और तेरी बहन हुए तेरा भाई का एड्डा मोबाइल एड्डा एड्डा एड्डा. शोरकोट में मेजरिंग यूनिट सिर्फ एक ही है एड्डा 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 एड्डा. किसी ने चावल खाया हो एड्डा एड्डा चोल खाता रहती है एड्डा एड्डा हम एड्डा एड्डा केला. हर चीज के लिए उनके पास एक ही चीज होती है. खैर उनकी इस छोटी सी बात पर दुनिया बदल गई. अब दुनिया क्या बदलनी थी, मेरे चाचा जी के दोस्त थे वो लाहौर आ गए, उनको मैंने पेप्सी पिलाई. वो इतने खुश उनकी दुनिया बदल गई. वो एक एक बंदे को अपने रिश्तेदारों को फोन करके ऐसे कह रहे थे जैसे कोई हज पे जा रहा होता है, उसको कह रहे थे भाई आज दे पेप्सी दे बर्गर खाना इसने इंग्लिश कम हो गया. मैंने उनसे कहा अंकल जी कुछ नहीं होता, काबू रखें. खैर शोरकोट में आप जिस जगह भी चले जाए वहां सबसे पहले आप जाएंगे आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा. मैं जिस जगह भी गया वहां पे बैठ के मुझे लोग कहते आप भाई जी आप ना लाहौर से आए हैं. मैं जी बिल्कुल लाहौर से आया हूँ. तो मुझे कहते भाई जी मेरा एक कजन है आसफ लाहौर में, आप उसको जानते हैं. मेरा दिल किया मैं उसको कहूँ भाई एड्डा बड्डा लाहौर है एड्डा बड्डा, मैं कितने तेरे कजन को जानना है. शोरकोट में एक उनकी मेंटालिटी अजीब है कि वो कभी भी किसी चीज का नाम नहीं याद करते. उनकी शोरकोट में जो चीज भी आ जाए उसका नाम अपने हिसाब से वो रखते हैं. उनके लिए कोई नहीं कि जो भी हो. वो शोरकोट में नोकिया फोन आया वो नोकियो हो गया, सैमसंग आया वो सैमसंग हो गया. क्योंकि मेरे ताया जो है वो बेल्जियम में रहते हैं तो वो बेल्जियम हो गया बेल्जियम. स्पेन इज स्पेन, स्पैरो इज स्पैरो, स्पेशल पिकोड़े. और पीटीसीएल को तो उन्होंने इसकी करंट कंडीशन के हिसाब से नाम दिया पिटसी एल.
मैंने एक दिन हमारे शॉर्ट कोर्ट के अंदर वॉल्स नहीं नहीं आई तो वो इतना बड़ा धमंटू लगा हुआ आइसक्रीमों का दुनिया जहान के उस पे नाम लगे हुए, तो उनसे वो नाम नहीं याद होते। मैंने छोटे बच्चे को बुला के कहा कि मैं कहा यार जाके ना कॉर्नेटो ला दे मैनू, तो वो वापस आ गया कहता कॉर्नेटो का ही नहीं। मैंने कहा क्या मतलब कॉर्नेटो का ही नहीं, कहता कॉर्नेटो का ही नहीं। मैंने उसको फिर पेपर पर लिख कर दिया, फिर आया उस मुझे कॉर्नेटो दिया, कहता भाई जी तुसी पहले कौन आ 35 रुपए वाली कौन की कॉर्नेटो 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 तुसी लाई। मैं कह यार मैं क्या कह सकता हूँ। खैर शुगर कोर्ट के अंदर जैसे लोगों के ना लाइफ गोल्स होते हैं, कोई कहता है जी मैंने जी इंजीनियर बनना है, मैंने जी ये लेना है, मैंने वो करना है, कोई कहता है कि मैंने मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, कोई कहता है मैंने साई कालू जी के दरबार में जाना है। तो शुगर कोर्ट के लोगों का जो गोल है वो है शादी के खानों का। शादी के खाने कितने खाने और कितनी दफा कितनी बार और कितने ज्यादा कौन खा सकता है, एक जंग लगी होती है वहां पे खानों में, पता नहीं चल रहा खा खा के सबकी आंखें टेढ़ी हो जाती है। और वो खाने का जो चमचा होता है उसे ऐसे डाल रहे होते हैं खाना जैसे कोई किसी को खंजर मार रहा होता है या कोई बेलचा पकड़ के ना जमीन खोद रहा है ऐसे करके ऐसे करके, और खाने के बाद ना सबकी खा खा के आंखें टेढ़ी हो जाती है, किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा होता। वो सारे एक दूसरे का हाथ पकड़ के आता है मैंने स्प्राइट दी बोतल नहीं मेरे टेट च कामो कामो हो रहे हैं। अब मैं कहां से स्प्राइट दी बोतल लाऊं भाई अंकल जी आपके लिए। खैर शादी के खानों में जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये जो बंदा ऐलान करता है शादी के खानों का वो सर पे कफन बांध के निकलता है, क्योंकि जब वो खाने का ऐलान करता है वो सिर्फ हाथ उठा के, तो उसके बाद पता नहीं है कि वो रेले में पैरों के नीचे आ जाए, उसके साथ क्या हो जाए, कोई मसला हो जाए, कुछ नहीं पता चलता। खैर जिस शोर कोर्ट में मेरे वालिद साहब मुझे भेजना चाहते थे अंग्रेज़ी की आला तालीम के लिए, उस शोर कोर्ट में इंग्लिश का ये मैार था कि एक लड़के ने स्कूल सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे जनवरी के स्पेलिंग नहीं याद होते थे, और उसके अलावा और पूरे शोर कोर्ट के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे ताया जी मेरे चाचा जी की शादी पर आए तो वो अपने साथ अपने अंग्रेज़ दोस्तों को ले आए, तो आधे से ज़्यादा शोर कोर्ट उस शादी पर आ गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अंग्रेज देखना था। अब उनको समझ ना आए कि इस अंग्रेज के साथ बात कैसे करनी है, क्योंकि कई नामी ग्रामी लोग शोर कोर्ट के कोई डीसीओ डीएसपी फलाड़ा वो सारे आ गए, उन्होंने कहा जी हमने तो अंग्रेजी में माहिरात हैं, हम बड़े बड़े लोग हैं। अब वो अंग्रेज के साथ ना जगह जगह फिरे जा अंग्रेज थूके थूके कुछ करे वो उस पैसे दे भाई अंग्रेज अंग्रेज होता है भाई अंग्रेज अंग्रेज होता है एटो 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 नमा अंग्रेज आया शोर को एटो एटो। तो वो अब वो पॉइंट तलाश कर रहे थे कि ये कहां से वो लफ्ज बोले जो हम पिक करें और जाके फिर हम इसके साथ इंग्लिश बोले। अब वो बेचारा अंग्रेज जो है वो जिंदगी में पहली दफा बिरयानी खा रहा था, उसने खाते खाते कहा इट टेस्ट नाइस गुड टेस्ट अंग्रेजी जो है ना वो उन्होंने एक गुड टेस्ट वाली बात उसकी पकड़ ली। खैर अब मेरी जो फूफो है वो अलमशहूर थी पूरे शोर कोर्ट के अंदर के वो जो टीचर है अंग्रेजी पढ़ाती हैं फलान करती हैं ठीक है नो प्रॉब्लम, बड़ी वो मुझे समझाती थी टेंस फलान ठीक है वो। तो मेरे ताए जी ने कहा है मेरा दोस्त है तेरे वास्ते गिफ्ट ला के आया बिलजे मिचू हेलो थैंक यू बोल। और मेरी फूफी आ गई उनसे बोला ना जाए थैंक यू गिफ्ट ये कह के दौड़ गई। अब वो सारे लोग जो बने फिरते थे अब वो सारे मशवरे करने शुरू हो गए कि भाई यार मंडे को किधर को लेके जाना है अंग्रेजी वास्ते। तो हमारे शोर कोर्ट में जो है अल मशहूर मास्टर भट्टी साहब थे, वो जिन जिन लोगों को पता चला कि मुझे जी मास्टर भट्टी साहब के जेर साया तालीम दिलवाने के लेके जा रहे हैं वो सारे लोग ऐसे कह रहे थे जैसे पता नहीं मुझे ऑक्सफोर्ड में या एमआईटी में दाखिला मिल गया। सारे लोग फखर कर रहे भाई मास्टर भट्टी साहब जैसे लेवल थे इसमें पहुंच सकते वो बड़ी कम बड़ी। अब जी मैं लोगों से सुनता आ रहा हूँ एक हाइप क्रिएट हो गई कि मास्टर भट्टी साहब कौन है, ड्रैगन जो है वो मुंह से आग निकालता है, ये क्या मुंह से अंग्रेजी के गोले निकालते हैं, ये बंदा क्या है। हर बंदे से मैं सुनता जा रहा हूँ, मुझे मेरी फूफो लेके गई एक बंद कमरा, उसको खोला गया उसमें बड़ी डिम रोशनी थी, मुझे ऐसे लगा यहाँ पे किसी खुफिया मजहब की ना कोई पुजारी बैठे और पूजा हो रही है, बच्चे सर झुका के बैठे हैं पता नहीं क्या मसला है क्या चल रहा है। खैर मैं बैठा मैं इंतजार करने लग गया जी मास्टर भट्टी साहब आएंगे,
और पता नहीं वो क्या करते हैं। खैर मास्टर भट्टी साहब नमूदार हुए और आते साथ ही उन्होंने कहा, हाँ भी मुंडियो लिखो देख टेशन। अच्छा मैं इंतजार करने लगा, मैं कहा अब ये जो है ना अंग्रेजी के समंदर में डुबकी मार के सुच्चे मोती निकालेंगे अंग्रेजियात के, पापा हो जाएगी। अब वो मैं बैठा इंतजार करूं, एकदम मास्टर जी बोले, लेख भाई द मिल्क मैन वॉकड टू द डोर एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर। अब मतलब ये हाल था शोरकोट का जब मेरे वाले साहब ने जिद पकड़ी थी। खैर मुझे पहले पहले लगा कि मेरी जिंदगी में जाना, शायद मुझे अभी भी लगता है कि शायद मैं ही मनहूस हूँ, या ये इंग्लिश कन्फ्यूजन वाले जो है ना सारे चक्कर जो है ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। एक फ्लाइट में मुझे बैठने का मौका मिला, वैसे मेरी शक्ल नहीं है जहाज में बैठने वाली, मुझे रोक लेते हैं और कहते हैं यार तेरे को टिकट भी है पासपोर्ट भी सब शक है तू थकी भेज रही। मैं किसी तरह घुस घास गया, किसी का हाथ पकड़ के किसी आंटी खूबसूरत सी, मैं कहा आंटी मैं तू बेटा बढ़ा के ले जाओ, वो आंटी ने कहा नहीं तू बेटा नहीं, मैं कहा दिला दे रास दिलना जानता शक्लों में नहीं लगता, चलो वो मुझे ले गई मैं चला गया। अब मैं बैठा हुआ एक खूबसूरत सी लड़की जो है ना वो वेटिंग लॉन्च में बैठी थी, मुझसे अच्छा नॉवल पढ़ी थी, मैं कहा यार 25-30 हज़ार का इसने मेकअप किया हुआ है, मेरी तरफ देख भी नहीं रही, नहीं कोई तो उसके पैसे पूरे हो, मैं अल्लाह से दुआ करो यार ये मेरे साथ बैठे। खैर मैं जहाज में बैठ गया, मैं बैठा मेरी सेंटर वाली सीट थी, तो एक बांग्लादेशी ना वहां पे बार बार ऐसे चल के आ रहा है, 86 नंबर सीट हमारा सियासी, वो 86 को सियासी बोल रहा था, वो आके मेरे साथ बैठ गया। अब वो काला इतना था कि वो विंडो सीट पे बैठा, तो वो जैसे ही वो विंडो के पास से गुजरता वो अंधेरा इतना था कि वो विंडो से जो रोशनी आती थी छपाका पड़ता था, जैसे मेरी किसी ने तस्वीर खींच ली है। अब मैं अल्लाह से दुआ करूं या अल्लाह एक काला बैठ गया, दूसरा एक काली आंधी नमूदार शदीद काला, वो काला इस तरह का काला था जैसे कलर होता है ऑफ वाइट, वो ऑफ ब्लैक कलर का बंदा था शदीद काला, वो आके मेरे साथ बैठ गया। आते से आती हेलो आई एम निकोलस आई एम फ्रॉम नाइजीरिया व्हाट इज योर नेम। मैं उस क्वेश्चन रट के ना था यार क्यों हो गया क्यों बढ़ गया। सामने से एक बड़ी प्लीजिंग पर्सनालिटी नमूदार हुई, एक डेविड बेकहम नुमा आदमी, ब्लू जीन्स वाइट टी शर्ट रे पैन गोल्डन बाल, मैंने कहा यार जबरदस्त हो गया, को है आंखों का सुकून मिला। एक्सक्यूज मी मैं स्ट्रेट गे नहीं हूँ, तो कंडीशन ऐसे थी, एक काला एक शदीद काला, तो एक चिट्टा जरा अच्छा लगता है सुकून आता है। खैर मैं सोच ही रहा हूँ कि यार कितनी जबरदस्त पर्सनैलिटी है, मेरी भी ऐसी हो जाए, मेरे सिक्स पैक एबज हो जाए, एबज ही होता ना कबज कर अच्छा। खैर तो मैं सोच ही जा रहा हूँ यार मतलब ऐसा, अभी वो आया और बुरके वाली औरत के साथ बैठ गया, मैं कह यार गोरा चिट्टा अंग्रेज बुरके वाली औरत के साथ क्या कर रहा है। उस बंदे ने जूस उठाया और जूस उठाते साथ ही लानत चाली अंग्रेज पठान, मैं कह यार अजीब आदमी यार मतलब धोखा एक एक बंदा यार, मतलब खूबसूरत लड़कियां अभी कितनी खूबसूरत लड़कियां बैठी मुझे नजर नहीं आ रहा है, कितनी एक दो तो बैठी होगी तो ओके थैंक यू टू द हैप्पी बर्थडे। तो एक खूबसूरत लड़की के पीछे मैं पड़ गया अपनी यूनिवर्सिटी में, मैं उसके पीछे बार बार गया, मैंने कहा आई लव यू आई वांट टू मैरी यू यू सेट माय सोल ऑन फायर, उसने कहा नो, मैंने कहा मेरी कान से सुन रहा नो 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 नो, मैं कहा ओके सी यू बाय, मैं चला गया। एक हफ्ते बाद वो रोती रोती मेरे पास आ गई, कहती तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आए, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करे, मैंने कहा तुमने तो कहा था नो 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 नो, कहती नहीं तुम मेरी नोनो पर क्यों गए, मेरी नोनो में यस था। यार मतलब भाई क्या किस चीज के लिए मतलब कंफ्यूजन, आपने मतलब कभी कभी समझ नहीं आती, मेरी काम वाली मैं अकेला बैठा हूँ कमरे में, एकदम दरवाजा खटखटाती आ गई, आ गई थी भाई भाई वो जरा ना मुझे सैक्स 3 रुपीस दे दे, मेरे बाल रैक्शे वाले को देने हैं, मैं कहा क्या वो मैंने सैक्स 3 रुपीस देने रैक्शे वाले को, क्यों
my standard is not come against Call of Duty, you know, to the Half-Life, Counter-Strike, Valorant, this kind of thing. So, एक जो है मतलब हमारे ऑफिस के अंदर एक टी बॉय था, उसको भी अंग्रेजी मारने का बड़ा शौक था. तो वो जो है ना हर वक्त मुझे आके ना बोस जी मैं मार्केट जा रहा हूँ कुछ मंगवाना बोस जी. वो दूर से बोस जी कहता हुआ आता था. मुझे लगता था मुझे कह रहा बोसड़ी. मैं उसको कई बार कहा यार खुदा का वास्ता मुझे सर जी कह रहा है, मैंने कुछ कह रहा है कि बोस जी. मतलब हर बंदा आपको कंफ्यूज करने पे चला हुआ. मैं मेरे फाइनल्स हो रहे थे, मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ बाय द वे, शक्ल से नहीं लगता. मैं यूनिवर्सिटी गया था, अंडर द टेबल रिश्वत दे दी थी उसने काकड़े, बाद में जाली डिग्री भरवा ली. तो खैर होता है, इट्स द जो भी इंग्लिश में होता कोई अच्छा खैर. तो मैं लेट हो गया क्लास से. अब मैंने जो है वो टीचर जो है मेरे वो प्रेजेंट जो है ना जो लेट आया उसकी प्रेजेंट नहीं लगाते थे. तो वो जो है ना वो अपने पेंसिल और मार्कर घड़ने लगे कि उन्होंने आखिरी लेक्चर देना है फाइनल से पहले. तो वो ऐसे ऐसे कर मैं बचता बचाता जाके सीट पर बैठ गया. मैंने कहा जी अचीव हो गया काम, आज तो मैं टाइम पर पहुंच गया, प्रेजेंट भी लग जाएगी. अभी मैं बैठा हूँ, मैं लड़कों से डिस्कस कर रहा यार फलाना टॉपिक तो नहीं पढ़ाया ना अभी सर. तो पीछे से ना मुझे एक दोस्त ने ना मेरे ऐसे मेरा कंधा लगा देगा यार ऐटरा पेन है. मैंने कहा ऐटरा पेन ये सब कपड़ा है, देखो 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 देखो. पीछे से मेरा दोस्त कहता है ओए ये कंजर कह रहा है एक्स्ट्रा पेन है. मैं कहा लाख दिन लाख तेरी जिंदगी है, कल फाइनल से मुझे अभी तूने परेशान कर दिया. खैर मेरे एक अंकल थे, उनको भी वो कुछ लोग होते ना राज के पेंडू, वो सर्टिफाइड पेंडू थे. मतलब उन्होंने सर्टिफिकेशन की कई सी डिग्री थी उनके पास पेंडू होने की. वो उनको भी शौक था मॉडर्न बनने का. वो अंग्रेजी मारते थे हर वक्त, कोशिश करते थे अंग्रेजी मारने की. एक दिन उन्होंने वो जब भी फोन किया उन्होंने घर में, तो मैंने फोन उठाया तो मुझे कहते हाँ भाई बेटे तुम्हारा पापा कहाँ है. अब मेरा दिल करता मैं उनसे कहूँ मैं सुबह नाश्ते में चाय में डबो के खा गया. अब और मैं क्या कहूँ उनको, मेरे चाचा जी बीमार हो गए, वो लाहौर आ गए. तो उनका मैंने चेकअप कराया तो वो मुझे फोन कर रहे थे हाँ भाई बेटे तेरा चाचा आया हुआ था, तेरे चाचे में क्या फर्क निकला. मैंने कहा उनकी तारे ही ली थी. तो और एक दफा तो उन्होंने हद ही कर दी. वो घर आए तो उन्होंने मुझे बहुत बड़ा सा ना कोई मतलब को हाथियों वाला ना उन्होंने मुझे जो है ना पेचकस पकड़ा दिया. और पेचकस पकड़ा के कहते हैं एस होल्ड पा. मैं कहा क्या एस होल्ड पा, पा पा मैं खड़ा पा मेरे सामने. मैं कहा अंकल खुदा की कसम मैं ऐसा नहीं करी. ओ पा ओ पा मंजीत आए थी पा. मैंने कहा अंकल जी प्लास को क्या दे रहे हैं मुझे. कहते हैं मैं कह रहे हैं कंदरा एस होल चपा एस होल चपा. तो आपको क्या जरूरत है कंफ्यूज करने की, वाय द स्पार्क. खैर अब ये जो जितने भी हमारे पेंडू लोग हैं इन्होंने एक सिस्टम में जा किया. ये जो स्टार प्लस चैनल आया था इस इंस्पायर होके ना इन सारे पेंडुओं ने कहा कि अगर हम उर्दू के अंदर इंग्लिश के छोटे छोटे लफ्ज मिला लें वो इज गोइंग टू बी क्लच, वी विल गेट ऑल द पिचेस, वी विल बी हिट. तो ये ऐसे पेंडुओं ने क्या किया, उर्दू के अंदर इंग्लिश के लफ्ज मिला है. जा जाके लोगों के आप बाटल पियेंगे, आप एपल लाइक करेंगे, आपने टीथ वॉश किया, आप क्या थॉट थिंक कर रहे थे. ये इस तरह के पेंडू ना थोड़े थोड़े लफ्ज बोल के अपने आप को बड़े हिप समझते हैं. ये वही एग्जैक्टली वही पेंडू है जो कुछ ऐसा पहले तक पंजाबी के अंदर उर्दू के लफ्ज मिला मिला के बोला करते थे. कल मैंने गोलगप्पा खाया वो मेरे मुंह में ही फट गया. मैंने दंत ब्रश किए मेरे दंत चीटे हो गए, चीटे चीटे. कोचवान ने घोड़े को छांटा मारा वो भूतर गया. मैंने आम चूपा मुझे बड़ा मजा आया. खैर ये सारे पेंडू जो है ना इन लोगों ने अपने अपने तरीके जान किए थे. बीच में हमारी वो क्लास आ जाती है जो थोड़ी पढ़ी लिखी है, वो एक एक बंदे को बता रहे होते हैं असल लफ्ज ये होता है हेलोस हाउ इज द यू वेलकम्स टू द दिस व्हाटएवर अंग्रेजी राइट यस. खैर जो हमारे पेंडू लोग थे उनके बाद जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने ये सोचा कि हर किसी को ना करेक्शन करवाई है. हर किसी को बता रहे होते थे यार आवर नहीं आहार होता है, पावर नहीं पहार होता है, टावर नहीं टार होता है, फलाना नहीं ढींगना होता है, ये नहीं ये होता है, पेट्रोल नहीं
यूरोप अमेरिका में आप किसी को नहीं सुनेंगे पेट्रोल बोल रहा है, टार बोल रहा है, शार बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी समझ नहीं आती। असल में ये वही लोग हैं जो मुझे एक बंदा है ना जो हम लोगों से सुनते थे यार मैट्रिक कर लो आगे पढ़ाई सार रिलैक्स मिल जा। आप फर्स्ट ईयर में आके कहते थे फर्स्ट ईयर कर लो सेकंड ईयर इजी क्रैच, और अगर सेकंड ईयर कर लो तो वो कहते हैं यूनिवर्सिटी। समझ नहीं आती आखिर ये एक ये बंदा और एक वो बंदा जो सबको कह रहा होता है कि ये नहीं ये होता है, ये दोनों कंजे कहीं से मिले? इनको पूछो यार क्यों जिंदगी बर्बाद की हुई है। जिंदगी बर्बाद करने से याद है कि जो इलीट क्लास के लोग हैं इनको बड़ा शौक है अंग्रेजी मारने का, क्योंकि वो कहते हैं कि who is rich, who is great, why can't we? तो इन लोगों को आदत है कि हर चीज को वैसे ही बोलना जैसे वो है। आजकल वैसे भी जो कैफेज खुले हैं उनके नाम भी बड़े अजीब है, शाइजो माइजा फाइट कैफे, लेजी कॉम्पिटन, लुरले वा। अब ये जो इलीट क्लास के लोग हैं ये एक दूसरे से कह रहे थे आप उस कैफे में गए ला क्रोनोलो पोपोस्टा, नहीं 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 आप उस कैफे नहीं गए वो जिसके भाई ने खोला ला क्रोनोलो पो। अब आई केम अप विद माय ओन वे टू बीट दिस गाइस, मैंने भी इन लोगों से जाके कह दिया आप उस कैफे गए उनका अलग वो कैफे बीट दैट मदरफकर फकर्स, ताली मार दो। मजा आया? पैसे पूरे हुए? कितने पैसे पूरे हुए? देखे होते हैं 75,000 रुपए।